दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हमें मोहब्बत का वो पहला पड़ाव याद दिलाते हैं। जब मुलाकातें होती हैं, प्यार होता है, तो खत लिखे जाते हैं साहब। वो ज़माना कुछ और था, आजकल तो ईमेल का ज़माना है, लेकिन उस ज़माने में खत लिखे जाते थे और बड़े प्यार से उसका जवाब भी मिलता था और इंतज़ार करने में उसका नहीं मिला तो नहीं मिला तो बेचारा, अरे उसके हालात क्या कहें उसके बारे में। लेकिन खैर, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो फिल्म संगम से है, आइए आपकी नज़र हो रहा है। थैंक यू सो मच। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तू नाराज ना होना, के तू मेरी जिंदगी हो, के तू मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तू नाराज ना होना, के तू मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये प्रेम पत्र तो आपने पढ़ के सुना भी दिया आपने चाहने वालों को। प्रेम देखिए, प्रेम ये बहुत बड़ी चीज है, ये बिल्कुल सही कहा, बढ़ाने वाली चीज है।
इसीलिए कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरता नहीं, उसे दफनाया जरूर जाता है लेकिन कब्र खोद के जब भी देख लो तालियों के इंतजार में ही पाया जाता है। तो ये होता है क्या बात है, क्या बात है?